हे हाय दोस्तों, ये है हमारा अगला वीडियो इस सेम प्लेलिस्ट का, जिसमें कि हम पुराने साल के क्वेश्चंस और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू नीट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। नीट के लेवल पे क्लास ट्वेल्थ का जो है कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक सभी वीडियोज़ आ चुके हैं। वो वीडियोज़ आप किस तरीके से देख सकते हो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में मौजूद है। खैर, इसके अलावा आज का क्वेश्चन है कि लिवर अगर फेल हो जाए तो इन सब में से क्या होगा और क्या नहीं होगा। मतलब कि कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको बताना है कि सही है या नहीं है। अगर आप बता पाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही एवरेज टाइप का है। अगर इसमें से भी अगर आपके ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, आप गलत बता रहे हो, तो मतलब तैयारी ठीक नहीं चल रही है। जनवरी आ चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन, अगर लिवर फेलियर हो जाए तो क्या बॉडी में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा क्या? हाँ या ना? आंसर दिया, ठीक है, हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली इसके दो, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला ऑप्शन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन होगा हमारा रास का सिस्टम। अगर आपको रिमेंबर हो, रास का सिस्टम क्या होता था? रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इतना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि लिवर जो है आपका एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करता है। इफ़ यू रिमेंबर कि एंजियोटेंसिनोजन, ओजन जिसके पीछे लग जाए वो इनएक्टिव हार्मोन है, और रेनिन इसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन की वजह से आपका एंजियोटेंसिन 1 बनता है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ब्लड में घूम रहा है, घूमते घूमते लंग्स के पास पहुँचता है, और लंग्स के जो एंजाइम्स हैं वो उसको एंजियोटेंसिन 2 में बदल देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 वापिस से आकर के किडनी पे एक्ट करता है, और किडनी को बोलता है कि सोडियम को और वाटर को जो है वो रीअब्सॉर्ब किया जाए। लेकिन अगर खुद सोचिए कि ये काम अगर लिवर करा रहा था, लिवर क्या करा रहा था कि वाटर और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करा रहा था। अगर लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी के अंदर आपका सॉल्ट जो है वो रिटेंड होगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है। और जहाँ जहाँ सॉल्ट जाएगा वहाँ पानी भी उसको फॉलो करेगा, तो पानी भी रिटेंड बॉडी के अंदर करेगा। तो ये दोनों चीज़ें पहले वाला जो सिस्टम है, आई होप के रास जो सिस्टम है किस तरीके से लिवर के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगला जो ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि इडिमा इज डिपेंडेंट एक्सट्रीमिटीज सच एज फीट और एंकल, की बॉडी के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं जैसे फीट हो गया, एंकल हो गया, टखने हो गए, वहाँ पर आपको इडिमा मतलब कि टिश्यू जो फ्लूइड है वो देखने के लिए मिलेगा। क्यों? अब बॉडी में सॉल्ट रिटेंट हो रहा है, सॉल्ट बच रहा है। अब जहाँ जहाँ सॉल्ट होगा पानी उसके पीछे भागेगा, और जहाँ जहाँ पानी भागेगा वहाँ पर आपका इडिमा हो जाएगा। ये तो हो गया एक एक्सप्लेनेशन। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है वो एक्सप्लेनेशन? कि पहली बात कि सॉल्ट कंसंट्रेशन डिसबैलेंस हो गई है, ठीक है। दूसरी कि आपका प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, जो कि कौन लिवर एल्ब्यूमिन सिक्रेट करता है ये हमको पता है। एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा एच प्लस आयंस वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करके रखता था, तो उसका ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे। अब एल्ब्यूमिन तो सिक्रेट हो नहीं रहा है क्योंकि लिवर ठीक से काम कर नहीं रहा है, और उसकी वजह से और ज़्यादा आयंस का डिसबैलेंस होगा। और ज़्यादा आयंस का डिसबैलेंस होगा तो बॉडी में आयंस इधर उधर घूम रहे, तो पानी उसका पीछा कर रहा है, पानी उसका पीछा कर रहा है तो इडिमा होगा। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि और क्या करता है लिवर। लिवर आपका यूरिया सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि क्या होगा, मान लो कि आपके पास अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का क्या होगा, डीएमिनेशन होता है। अमाइनो एसिड में आपका एक एसिडिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप को अलग से निकाल देते हैं, और ये अमाइनो ग्रुप को लेकर के जाया जाता है लिवर के पास, और लिवर पे जाकर के लिवर में होती है यूरिया साइकिल और बनाया जाता है यूरिया। अब बताओ कि भाई अगर लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये काम चलेगा क्या, यूरिया ठीक से बनेगा क्या? नहीं। और ब्लड में अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लग जाएगी, और चूंकि लिवर तो काम कर नहीं रहा तो यूरिया की कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अगला ऑप्शन है वो हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या ब्लड में यूरिया बढ़ेगा? नहीं भाई, क्यों बढ़ेगा, कम होगा। यूरिया कम होगा, अमोनियम आयंस जो है वो बढ़ेंगे। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर एक भी ऑप्शन, ये बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, हाँ कोई भी बता देगा कि भाई लिवर का जो काम होता है बाइल सॉल्ट्स का प्रोड्यूस करना होता है, बाइल सॉल्ट्स अगर ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है फैट का एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं होगा।
अगला इंटॉक्सिकेशन आफ्टर ईटिंग हाई प्रोटीन मील, कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट काम अगर लिवर का कोई है तो वो है डिटॉक्सिफिकेशन, कि आपका किसी भी तरीके से चीज़ों को उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसका जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना। तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ आपका अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो छोटी से छोटी चीज़ आपको आकर के परेशान करने वाली है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है लिवर कि खाना खाने के तुरंत बाद जो ब्लड होता है वो बॉडी में नहीं जाता, सबसे पहले लिवर भेजा जाता है, उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तुरंत ही लिवर भेजा जाता है, लिवर डिसाइड करता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई लिवर इसमें टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है, इसको बॉडी में भेज दो, और तब जाकर के वो बॉडी में जाता है। एक भी ऑप्शन गलत था ना, मतलब कि ठीक नहीं चल रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ट्वेल्थ का पूरा कोर्स है, अभी इलेवेंथ का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जो भी चाहो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।